राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां शिवराज सरकार वनवासी महिलाओं को साधने का प्रयास करेगी। आपको बता दें कि 21 लाख साड़ी और चप्पल बांटने की सरकार, जहां महिलाओं को पानी की बोतल और छाता भी दिया जाएगा, यानी कि वनवासी महिलाओं को साधने का बड़ा दाव यहां पर शिवराज सरकार कर रही है, जहां चरण पादुका योजना के तहत कार्यक्रम होगा और साथ ही लघु वनोपज संघ आयोजन करेगा। तो वनवासी महिलाओं को, जो कि तेंदुपत्ता संग्राहक है, उन्हें काफी परेशानियां होती है, ऐसे में राज्य सरकार की ओर से उन्हें साधने का प्रयास भी किया जाएगा और इसी के मद्देनजर 21 लाख साड़ी और चप्पल बांटने का शिवराज सरकार ने एक बड़ा योजना बनाई है, जिसके मद्देनजर महिलाओं को पानी की बोतल और छाता भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ वैभव हमारे साथ में जुड़ गए हैं। वैभव, एक बार फिर से अब वनवासी महिलाओं को साधने का प्रयास किया जा रहा है, पहले कर्मचारी, उसके बाद में एक के बाद एक हर वर्ग को साधने का यहाँ पर शिवराज सरकार की ओर से प्रयास किया गया। अब इसी के मद्देनजर 21 लाख साड़ी और चप्पल बांटने की शिवराज सरकार की तैयारी है। हाँ बिल्कुल, चुनावी साल में एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया गया है। ये जो वनवासी महिलाओं को 21 लाख साड़ी और सैंडल बांटी जाएंगी, कह सकते चप्पल बांटी जाएंगी, करीब 260 करोड़ रुपए ये चप्पल और छाता, से कभी पानी की बोतल और छाता भी वनवासी महिलाओं को दिया जाना, तो 260 करोड़ रुपए इस पूरी सामग्री को खरीदने में और उनको वितरित करने में किया जाएगा। तो चुनावी साल में वनवासी महिलाओं को साधने के लिए सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है। बात कुछ भी हो, लेकिन वनवासी महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा, उनको नई साड़ी भी मिलेगी, क्योंकि वनों में वो जाती हैं तो पैरों के कांटे होते हैं, तो उसके लिए उनको नई चप्पल भी दी जाएगी, पानी की बोतल, क्योंकि जब वन में जाता है तो सामग्री इकट्ठी करने की तो पानी की बड़ी दिक्कत होती है, तो पानी की बोतल भी उनको नई मिलेगी। इसके साथ ही बारिश से बचने के लिए छाता भी उनको दिया जाएगा। तो जून में चरण पादुका योजना के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वनवासी महिलाओं को ये सौगात देंगे। लघु वनोपज संघ के द्वारा यह आयोजन किया जाएगा। जी, तो कुल मिलाकर एक बड़ी सौगात इसे मानी जा सकती है, और जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि काफी परेशानियों का सामना इस दौरान करना पड़ता था, अब उसमें कहीं ना कहीं एक सहूलियत मिलेगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया वैभव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वनवासी महिलाओं को शिवराज सरकार की सौगात, जहां 21 लाख साड़ी के साथ चप्पल का वितरण भी राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा।